गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स ऑफ क्लास 7th इज थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आप चाहें तो आगे के टॉपिक्स हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मेरा एडवाइस या सजेशन कह लीजिए यही है कि आप इस टॉपिक को देखने से पहले बाकी के सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लें, देख लें, समझ लें, और तब जाकर इस टॉपिक को देखें, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। नहीं तो अगर आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे तो शायद आपको समझ ना आए और बहुत ज़्यादा डाउट्स हों। तो प्लीज़ जाकर पहले की वीडियोस देखें, समझें, उसके बाद ही इस टॉपिक को देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमें इस पूरे पैराग्राफ में टाइम के बारे में और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। अगर हम हिस्टोरियंस की माने तो हिस्टोरियंस कभी भी टाइम को एक ये नहीं कहते हैं कि हाँ घंटे बीत रहे हैं, आवर्स बीत रहे हैं, या डेज बीत रहे हैं, या ईयर्स बीत रहे हैं। वो आवर्स के बेसिस पे, डेज के बेसिस पे, या ईयर्स के बेसिस पे कभी भी टाइम को डिवाइड नहीं करते हैं, या उनके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन इनके बेसिस पे नहीं होता है। उनके लिए टाइम क्या है? टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, ठीक है। तो उनके लिए जो टाइम का या टाइम का क्लासिफिकेशन है वो इससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि मनी से रिलेटेड है, ठीक है। जब इन चीज़ों में चेंजेस आता है तो उनके हिसाब से पीरियड्स का डिवीजन होता है, वो इन्हीं के बेसिस पे पीरियड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स। अगर हमें पुराने ज़माने के टाइम को अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे आसान तरीका क्या उन्होंने करा है कि पास्ट को उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। जिससे क्या होगा, पीरियड्स में डिवाइड करने से क्या होगा कि हम हर पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे, उस पीरियड के बारे में जान पाएंगे। अगर हम लोग हर मतलब पीरियड को डिवाइड नहीं करेंगे और एक साथ पास्ट को पढ़ना चाहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। पीरियड में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है और उस पीरियड्स के करेक्टरिस्टिक्स को जानना भी आसान होता है, ठीक है। इसीलिए हिस्टोरियंस ने पास्ट को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, क्लियर। नेक्स्ट है, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। ब्रिटिश ने भी पीरियड्स को, टाइम को पीरियड्स में डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था? उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला है हिंदू, सेकंड है मुस्लिम, और थर्ड है ब्रिटिश, ठीक है। उन्होंने जिस समय में जिस रिलीजन का रूल होता था, रिलीजन ऑफ रूलर्स, उस समय के हिसाब से मतलब उस रिलीजन का ही उन्होंने उस पीरियड में नाम दे दिया। यानी कि पहले मराठास, राजपूत का राज होता था तो उस टाइम को उन्होंने हिंदू बोल दिया। जब मुगल का शासन था यानी कि मुगल का रूल था तब उन्होंने मुस्लिम बोल दिया, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड का शासन था तब उन्होंने उस पीरियड को ब्रिटिश बोल दिया, ठीक है। तो ब्रिटिश के हिसाब से उन्होंने पीरियड का डिवीजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में करा, ठीक। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। उनके हिसाब से क्या था मेन, कि पीरियड का डिवीजन क्या होना चाहिए कि उस वक्त कौन सा रूलर, कौन से रिलीजन का रूलर रूल करता था, वही उनके लिए उस पीरियड का करेक्टरिस्टिक होता था, या उस पीरियड का कह सकते हैं कि एक साइन होता था कि हाँ इसमें मराठा करते थे, या इसमें हिंदू रिलीजन करता था, इसमें मुगल का शासन था यानी मुस्लिम्स का शासन था, और इसमें ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। एंड दैट देयर वर नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, और उनके हिसाब से सिर्फ यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता था और कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी। ना ही उनके लिए इकॉनमी इम्पॉर्टेंट होती थी, ना ही उनके लिए सोसाइटी इम्पॉर्टेंट होती थी, और ना ही उनके लिए कल्चर इम्पॉर्टेंट होता था। यानी कि आर्थिक
मतलब आर्थिक के वजह से, मतलब आर्थिक स्थिति में भी कोई उनका ध्यान नहीं था, सोसाइटी के बेसिस पे भी वो डिवाइड नहीं करते थे और कल्चर के बेसिस पे डिवाइड नहीं करते थे। यहाँ तक कि उस टाइम के समय, उस समय में जितना भी मतलब एरिया था उसमें कितनी मतलब कैसी डाइवर्सिटी थी, मतलब बहुत भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें थी, उसके बेसिस पे भी वो लोग पीरियड्स को डिवाइड नहीं करते थे। उनका मेन मोटिव यही रहता था कि वो रूलर्स को देखें कि हाँ उस पीरियड में कौन सा रूलर रूल करता था, कौन से रिलीजन का रूलर रूल करता था। उनके हिसाब से इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर कोई मायने नहीं रखती है, या उस वक्त की डाइवर्सिटी भी मायने नहीं रखती है। उनके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या था, रिलीजन ऑफ रूलर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different movements of the past. कुछ historians ने past को divide करने के लिए economically और socially एक मतलब इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर लिया उस पास्ट को डिवाइड करने में, यानी कि एक टाइम लिया और उसमें मेंशन करा कि हाँ इस वक्त इसकी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट्स थे, इस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, और इस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम मेडिवल और यहाँ पर ले लेते हैं हम मॉडर्न। तो मैंने दोनों में क्या डिफरेंस, क्या किस पॉइंट को लेके मैं डिफरेंस देख रही हूँ, सोसाइटी को लेके डिफरेंस देख रही हूँ कि मेडिवल टाइम में कैसी थी हमारी सोसाइटी और मॉडर्न टाइम में कैसी थी हमारी सोसाइटी। दूसरा पॉइंट क्या लिया उन्होंने, इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। मेडिवल टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी और मॉडर्न टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। द हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। जो हिस्ट्री के बारे में, जिस हिस्ट्री के बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, उसमें हमें बहुत सारी अर्ली सोसाइटी, यानी कि हमने ना पिछले क्लास में जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था वो हमने एंशियन पीरियड के बारे में पढ़ा था। और हम इस पूरे बुक में, मैंने आपको स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में भी बताया था कि हम इस पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमने पिछले क्लास में, सिक्स क्लास में पढ़ा था, उसमें हमने अर्ली सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या कौन कौन थे, हंटर गैदर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, मतलब इनके बारे में पूरी जानकारी हमें उस बुक में पढ़ के मिली थी, ठीक है। जो एंशियंट टाइम के एम्पायर्स थे और किंगडम्स थे उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, यानी कि इस बुक में और इस क्लास में आप जिस हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है मेडिवल। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट। अब मेडिवल टाइम में आप क्या पढ़ेंगे, पीजेंट की जो सोसाइटी थी, यानी कि जो मेडिवल पीरियड था उस समय फार्मर्स की जो सोसाइटी थी ना वो बहुत बढ़ने लग गई थी, ठीक है। पहले इनकी सोसाइटी बहुत ही मतलब बहुत ही कम पीजेंट्स दिखाई देते थे, बहुत ज़्यादा लोग पीजेंट फार्मिंग में इंडल्ज नहीं थे, पर मेडिवल पीरियड के वक्त समय आते आते क्या हो गया कि पीजेंट्स और फार्मिंग बहुत ज़्यादा, मतलब सब लोग पीजेंट बन गए और सब ने फार्मिंग करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट आप पढ़ेंगे। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, उस वक्त उस रीजन के बारे में और वहाँ की जो मतलब शाही जो राजा महाराजा की बातें होती थी कि उस वक्त कौन से राजा थे, कौन सी डायनास्टी थी, और उस रीजन के बारे में कि उस राजा से उस रीजन में क्या ग्रोथ हुआ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टल एंड फॉरेस्ट पीपल, पेस्टल यानी कि आप जो मतलब जानवरों को चराते हैं उनके बारे में, और वहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग यानी कि ट्राइब्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वक्त क्या हुआ था, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इस समय दो रिलीजन का अराइव आए थे इंडिया में। दो रिलीजन कौन से इंडिया में आए थे, एक था हिंदुज़म और एक था इस्लाम। ये दो रिलीजन इसी समय में मतलब डेवलप हुए थे, सॉरी माफ़ करिएगा, आए नहीं थे, इस समय में इन दोनों रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ था, हिंदुज़म का और इस्लाम का। और इस वक्त कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी। ये किस समय में आई थी, यानी कि मेडिवल पीरियड में आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दीज थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री
witnessed considerable change. ये जो पूरा टाइम है मेडिवल पीरियड का, इस समय में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. और आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th सेंचुरी. इस पूरे टाइम में जो 16th सेंचुरी है और 18th सेंचुरी है हमारी, उन दोनों में, दोनों मिलाकर अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 18th सेंचुरी और 16th सेंचुरी इनमें और 8th और 11th, अगर इन दोनों की बात करें और इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. अगर मैं इस पूरे historical unit को ले रही हूँ, तो मैं इसमें इनके problems को भी mention करूँगी. ये नहीं करूँगी कि सिर्फ इसमें अच्छी अच्छी बातें लिख दूँगी या इसके बारे में पूरा बता दूँगी, बट इस time में कौन से problems आए थे वो mention ना करूँ. ये चीज़ नहीं होती है. उसमें problems भी आते हैं, lifestyle भी आता है, development भी आता है, सब चीज़ आता है. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. हमेशा दोनों के बीच में difference होता है, हमेशा दोनों के बीच में देखा जाता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर थी, कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं थी, क्या चीज़ में development था, क्या चीज़ कम हुई, क्या चीज़ बढ़ी. ठीक है. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual development. जब modernity क्या हुआ, जब modernity इंडिया में आई, तो इससे क्या हुआ कि एक मटेरियल प्रोग्रेस भी हुआ और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी हुआ. यानी कि एक लोगों का इंटेलेक्ट भी बहुत बढ़ा, लोगों की समझने की शक्ति बढ़ी, लोग थोड़े एजुकेटेड होना भी शुरू हो गए. पहले उतने ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, या कह सकते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के आने के बाद, लोग थोड़े ज़्यादा अमाउंट में कह सकते हैं पढ़ना लिखना उन लोगों ने शुरू कर दिया. This seems to suggest that medieval period was lacking in any change whatsoever. Medieval period में हम कह सकते हैं कि modern period के हिसाब से कुछ changes हैं, यानी कि medieval period में जो चीज़ें नहीं हैं वो हमें modern period में देखने को मिलती है. But of course we know this was not the case. During these 1000 years, the society of subcontinent were transformed often in economics in the several region reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. इस समय में क्या हुआ था कि जितनी भी societies थी वो बहुत ज़्यादा, सारी society का growth बहुत ज़्यादा हुआ था, transform हो गए थे, बिल्कुल बदल गए थे, change हो गए थे. ठीक है. और सोसाइटी भी बढ़ी थी और इकोनॉमिक लेवल पर भी ग्रोथ हुआ था. ठीक है. जिसकी वजह से हमारी कंट्री में प्रोस्पैरिटी को, मतलब हमारी कंट्री ने एक प्रोस्पैरिटी रीच किया था, यानी कि एक बहुत ज़्यादा रिच कंट्री बन गई. ठीक है. जिसकी वजह से इसके रिचनेस को देखकर ही यूरोपियन ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए थे. मेडिवल पीरियड में इंडिया का रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हर जगह प्रोस्पैरिटी थी. ठीक है. तो इसी प्रोस्पैरिटी को देख के, इसी रिचनेस को देख के यूरोपियन ट्रेडर अट्रैक्ट हुए थे इंडिया की तरफ. एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क. इस बुक में पूरे आप चेंजेस देखेंगे कि, और पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस देखेंगे कि काम में कैसे बदलाव आया था. ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विथ वॉट यू रीड लास्ट ईयर, लुक आउट फॉर द चेंजेस. ये ऐसी है, यहाँ तक आपका मेन है. ठीक है. ये आपको ऐसे ही सिर्फ रीड करने के लिए बोला है, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा. मेन है ये वाला पॉइंट तक. ठीक है. तो आपको यहाँ से लेके, पूरे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए. और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर समझ नहीं आए तो एक और बार देखिए, दो बार देखिए. और कोशिश करिएगा कि जब भी आप वीडियोज़ को देखें तो प्लीज़ अपने पास थोड़ी बुक्स रखिए. और ये जो मैं हिंदी में वर्ड्स लिखती हूँ तो अंडरलाइन करके वहाँ पे आप अगर लिख देंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा. ठीक है. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.